चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या फिर अन्य कामकाज, नागालैंड में आपको सभी जगह काम करती हुई महिलाएं ही नजर आएंगी। लेकिन नागालैंड की राजनीति में महिलाओं की कोई बड़ी भागीदारी नहीं है। 60 सीटों वाली राज्य विधानसभा में एक भी महिला सदस्य नहीं है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी केवल 2 महिला उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में नजर आ रही हैं। सत्ताधारी नगा पीपल्स फ्रंट और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने एक भी महिला उम्मीदवार को नहीं उतारा है, जबकि बीजेपी, जिसका नागालैंड में बहुत अधिक जनाधार नहीं है, उसने एक महिला को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं एक महिला निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही है। नागालैंड में करीब 11,93,000 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 6 लाख के आसपास है। अभी ट्रेडिशनल सीट थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा साइजिंग कर लेगा। 33% वुमेन रिजर्वेशन का है, उसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अगर इफ 33% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट इन नागालैंड, तो सारी बहुत लोग महिला लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। बड़ी अजीब बात है कि महिलाएं राजनीतिक दलों के झंडे तो उठाती नजर आती हैं, लेकिन टिकट बांटते वक्त उन्हें परंपरा की याद दिला दी जाती है। महिलाओं के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि उन्हें भी चुनाव लड़ने के अधिक मौके मिलने चाहिए। उनकी भूमिका राजनीतिक दलों के झंडे उठाने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस बार के विधानसभा चुनाव में 188 कुल उम्मीदवार हैं और उसमें सिर्फ 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में ये तस्वीर बदलेगी और इन महिलाओं को भी यही उम्मीद है। कैमरामैन जगपाल शौकीन के साथ अनुज यादव, DD न्यूज।